एक ऐसा बच्चा जिसके बाप ने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से अपने बेटे को अपने भाई को सौंप दिया, जो आगे चलकर वही बच्चा फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। हां, मैं बात कर रहा हूं राजेश खन्ना जी की, जिन्हें प्यार से लोग काका कहकर पुकारते हैं। लेकिन नाम है, हर कोई बस यही बोलता है कि ऊपर आका तो नीचे काका। राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार माना जाता है। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ। पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माताजी का नाम चंद्र रानी खन्ना है। जन्म के समय इनका नाम जतिन खन्ना रखा गया था। इनका एक बड़ा भाई भी था, नरेंद्र खन्ना। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना ही था। चेक, इनके पिता लाला हीरानंद एक अध्यापक हुआ करते थे, जो बुरे वाला बिहारी पंजाब में पढ़ता था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। राजेश खन्ना के पिताजी की बुरेवाला में एक खानदानी हवेली भी है, जिसका नाम था खन्ना हवेली। इसी आंगन में राजेश खन्ना का बचपन गुजरा और उस आंगन में राजेश खन्ना जी बहुत क्रिकेट खेलते थे। राजेश खन्ना जब 6 साल के हुए थे, तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा शुरू हो गया था। उसके बाद राजेश खन्ना के पिताजी ने भारत का चुनाव किया और वह वेस्ट पंजाब अमृतसर के गली तिवारियन में आकर बस गए और रहने लगे। एक जगह से दूसरी जगह आने के बाद राजेश खन्ना के पिताजी के पास कोई दूसरी नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ भी था उस वक्त भारत विभाजन से पहले, वह भारत विभाजन के बाद सब छोड़ छाड़ के भारत आ गए और यहां पर अमृतसर में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि आर्थिक स्थिति उस वक्त इनकी बहुत खराब थी। बच्चों का पालन पोषण तक नहीं कर पा रहे थे, एक टाइम का खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। और अंत में राजेश खन्ना के पिताजी ने मुंबई में रह रहे उनके भाई चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना के पास मात्र 6 साल की उम्र में राजेश खन्ना जी की जिम्मेदारी सौंप दी। राजेश खन्ना के दूसरे पिता चुन्नीलाल खन्ना मुंबई में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया करते थे और मुंबई में सरस्वती निवास ठाकुर द्वार गिरगांव के पास चरनी रोड पर इनका घर था। और इस तरह राजेश खन्ना जी पहुंच गए 6 साल की उम्र में अपने दूसरे पिताजी के पास मुंबई में। राजेश खन्ना जी को बचपन से इनके परिवार वाले काका कहकर बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका छोटे बच्चे को कहा जाता है और आगे भविष्य में पूरी दुनिया इन्हें काका कहकर बुलाने लगे। इनकी बहनें थी कमला, चंचल, विजय और मंजू। इनमें एक बहन कमला यूके में एक डेंटिस्ट भी रह चुकी है। मात्र 10 साल की उम्र में राजेश खन्ना जी नाटक में भाग लिया करते थे। स्कूल में राजेश खन्ना जी को बोंगू और ड्रम बजाने का भी बड़ा शौक था और बहुत अच्छा भी बजाते थे। खन्ना जी के साथ स्कूलों में एक और अभिनेता पढ़ा करते थे, जो उस वक्त वह भी एक बच्चा ही थे। उनका नाम था रवि कपूर, जो बाद में आगे चलकर जितेंद्र कुमार बने। राजेश खन्ना जी कॉलेज के पहले 2 साल पढ़े नवरोजी वाड़िया कॉलेज पुणे में 1959 से 1961 तक, और उसके बाद किशनचंद चेलाराम कॉलेज मुंबई में राजेश खन्ना ने सन 1961 से लेकर 1963 तक पढ़ाई की और बीए की डिग्री पूरी कर ली। इनकी पढ़ाई के दिनों में खूब ड्रामा में रुचि रहा करती थी। स्टेज शो में, इंटर कॉलेज ड्रामा में बहुत पार्टिसिपेट किया करते थे। बहुत से ड्रामा में इन्हें अवार्ड दिए गए और बेस्ट एक्टर के खिताब भी मिले। फिर मिला ऐसा नाटक जिसने इन्हें आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखा दिया। 1962 में धर्मवीर भारती के लिखे नाटक अंधा युग में एक घायल सैनिक का किरदार निभाया था। राजेश खन्ना ने स्टेज पर ऐसा किरदार निभाया कि चीफ गेस्ट ने कहा कि तुम्हें बेटा फिल्मों में काम करना चाहिए, पर जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना के पिता को यह मंजूर नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि जतिन फिल्मों में काम करे, लेकिन जतिन ने तो तय कर लिया था, तो इन्होंने अपने मामा को बताया। और ऐसे में इनके मामा की तलवार ने जतिन से इनका नाम बदल कर रख दिया राजेश खन्ना। राजेश खन्ना अमीर परिवार में पहुंच चुके थे और हमेशा स्पोर्ट्स कारों में जाने के शौकीन थे, और ऑडिशन देने भी जब फिल्मों के लिए जाने लगे तो उनके पास कार हुआ करती थी। MG स्पोर्ट्स कार में बैठकर ऑडिशन देने जाते, और उस वक्त ऐसी कार किसी फिल्म स्टार के पास भी हो यह मुमकिन नहीं हुआ करता था।
उनकी कार अक्सर खड़ी होती थी चर्चगेट के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर। वहां पर कई निर्माता निर्देशकों का आना जाना लगा रहता था, और ऐसे में लोगों को कहा करते थे कि कोई छोटा जूनियर आर्टिस्ट का रोल भी अगर आप मुझे दे दे तो अच्छा सपोर्ट मिल जाए और मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन राजेश खन्ना को सभी लोग अवॉइड कर दिया करते थे। उसी वक्त उसके पास आसपास की जो बिल्डिंग थी उसकी बालकनी से लड़कियां राजेश खन्ना को देखा करती थी, क्योंकि राजेश खन्ना अलग अलग प्रकार की कारों में आते थे और स्मार्ट दिखते थे। शंकर जयकिशन ने भी इंटरव्यू में कहा था कि वो कई बार वहां आ जाते थे, लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना एक्टर नहीं थे और हम उन्हें पहचानते नहीं थे। फिर आया साल 1965, जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर मिलकर एक ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो करवाया, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। उनमें से एक नाम था राजेश खन्ना और उनकी उम्र थी 23 साल। यहां पर ध्यान देने वाली चीज यह है कि राजेश खन्ना जी उस जमाने में टैलेंट हंट के हिस्सा हुआ करते थे, उस जमाने के यूनाइटेड फिल्म टैलेंट हंट, जिसमें राजेश खन्ना जी अव्वल आए। साल 1966 जब आया तब राजेश खन्ना को फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और उनकी पहली फिल्म आखिरी खत, जिसको चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया था, जिसमें राजेश खन्ना को काम करने का मौका मिला, और इस तरह उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। फिर राजेश खन्ना को दूसरी फिल्म मिली जिसका नाम था राज, जिसको रविंद्र दुबे ने डायरेक्ट की। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इनकी थोड़ी बहुत तारीफ तो हो रही थी, लेकिन इनकी फिल्म कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रही थी। उसी समय उस जमाने के बेहतरीन प्रोड्यूसर शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना का एक जबरदस्त कहानी सुनाई, जिसमें मेन लीड रोल अभिनेत्री का था। राजेश खन्ना जी ने कहा, इसमें लीड रोल तो अभिनेत्री का है, इसमें मेरा क्या काम है, और इस फिल्म को करने से मना कर दिया। किसी तरह शक्ति सामंता ने राजेश खन्ना जी को समझा बुझाकर इस फिल्म को करने के लिए मना लिया। मार्च 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कापड़िया के साथ शादी की थी, और उसी समय ऋषि कपूर के साथ बॉबी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और वो फिल्म अभी पूरी शूटिंग नहीं हुई थी, जिस कारण राजेश खन्ना जी को बीआर चोपड़ा, बिमल रॉय, जीपी सिप्पी, एचएस रावल, नासिर हुसैन, जय ओम प्रकाश, मोहन सैगल, शक्ति सामंता, इन सभी प्रोड्यूसर के सामने राजेश खन्ना को परफॉर्म करने का मौका मिला। ये सब प्रोड्यूसर उस जमाने के बेहतरीन प्रोड्यूसर थे, और जब प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना के परफॉर्मेंस को देखा तो उन्हें मौका दिया, और बाकायदा राजेश खन्ना और कॉन्ट्रैक्ट मिला फिल्म करने के लिए। लेकिन अफसोस 18 जुलाई 2012 को कैंसर के कारण राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी वो अपने फैंस के दिलों में जिंदा है। वही अगर बात करें उनकी बेटियों के बारे में तो आपको बता दें, राजेश खन्ना ने डिंपल कापड़िया से शादी रचाई थी। दोनों की दो बेटियां हैं, रिंकी खन्ना और ट्विंकल खन्ना। बता दें कि एक्टर की दोनों बेटियों ने बॉलीवुड को कब का अलविदा कर दिया है। हालांकि इनकी दोनों ही बेटियों ने हिंदी सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जो आज भी हिंदी सिनेमा की पहचान बनी हुई है। आपको बता दें कि राजेश खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना के पति अक्षय कुमार है, जो रिश्ते में राजेश खन्ना के दामाद हुए। वही रिंकी खन्ना ने समीर सरन से शादी की है, जो एक जाने माने बिजनेसमैन है और अपने फील्ड में काफी नाम भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हां, अगर आपको काका की यह वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके उनके लिए अपना प्यार देना ना भूलिएगा। बाय बाय।